सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअली में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ड्यू टू हार्मोनल सिक्रेशन के कारण या हार्मोनल चेंज के कारण कुछ चेंजेस होते हैं, हम उन्हीं चेंजेस को पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन और नॉर्मल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। Okay, it is very, very important, huh? Okay, so menstrual cycle. अब menstrual cycle में word use हुआ बेटा cycle. अब cycle word use हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसी activities होगी जो after certain interval में repeat होगी, इसलिए यहाँ पर ना cycle दिया हुआ है। और menstrual का मतलब about जो monthly जो time period होता है ना, उसमें repeated होना चीजों का, हम उसको बोलते हैं menstrual cycle, but ये female reproductive organ के लिए। Okay, so let's start the female reproductive organ में menstrual cycle. Okay, so female reproductive system undergoes some changes at the pubertary. अब pubertary stage क्या होता है? It is the stage, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, pubertary stage क्या होती है? ओके, ये एज होती है बेटा अबाउट 9 से लेकर 13 ईयर की एज में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स due to secretion of hormones, that stage is called as beta pubertary stage. Okay, pubertary stage क्या है? ये वो stage है जहां पर secondary sexual character का appear होना start हो जाता है, उस development of human being के stage को हम बोलते हैं pubertary stage. ओके, सो अंडरगो सम चेंजेस एट प्यूबिटरी स्टेज, अब ये चेंजेस हो रहे हैं, एंड दोस चेंजेस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दोस चेंजेस रिपीट्स एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 days, बट एक्चुअल में ये 30 days नहीं, समटाइम 35 days होते हैं। ओके, सो एक्चुअल में जो टाइम पीरियड है जो रिपीट होता है, ये जो साइकिल दिया हुआ ये होता है बेटा 28 to 35 days, ओके, के बीच में ये चीजें रिपीट होती है। ओके, लेट डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। दिस रिपीटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिपीटेड चेंज होते हैं ना हर मंथली वाइज, हम इसी को बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस। देखो ये नेचुरल प्रोसेस है विच can't be controlled by our wish. Okay, हमारे will से हम उसको control नहीं कर सकते, ये एक natural process है. And which is controlled by 4 hormones. देखो 4 hormones से control होता है, तो ये hormones के नाम भी आपको याद रखना जरूरी है. Okay, याद रखना 4 hormones. We will write here later on. Okay, 4 hormones. Those 4 hormones are, देखो अब ये 4 जो hormones है वो कौन कौन से, that we are going to understand now. Okay. So first दिया हुआ है बेटा hormone, वो है कहाँ गया, those 4 hormones are follicle stimulating hormone. पहला जो hormone है वो कौन सा है, follicle stimulating hormone, हम इसको FSH भी कहते हैं. So let me write here. फर्स्ट जो हार्मोन्स कितने हैं बेटा, 4, तो फर्स्ट कौन सा है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है. नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हम इसको LH कहते हैं, इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं LH, इट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपको याद रखना है हार्मोन्स के नेम, फर्स्ट हो गया फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड है सेकेंड luteinizing hormone. Then we have estrogen and progesterone, जो हमने already पहले पढ़ चुका है. So third है बेटा estrogen. And fourth progesterone.
ओके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये चार ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके इफेक्ट के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होता है अगेन एंड अगेन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 28 to 35 डेज. आगे ऑन द सेवरल फोलिकल इन द ओवरी देखो फोलिकल्स का मतलब होता है बेटा इमेच्योर एग सेल जो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं फीमेल के ओके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टार्ट्स टू डेवलप अलोंग विद द ओसाइट प्रेजेंट इन इट. तो वहां पर जो ओसाइट है जो एग सेल है इमेच्योर वो इन हॉर्मोन्स के इफेक्ट के कारण डेवलप होना स्टार्ट होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो कौन सा हार्मोन उसको स्टिमुलेट करेगा डेवलप होने के लिए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या हो गया काम इसका यस व्हाट इज द वर्क इट स्टार्ट द डेवलप ओसाइट्स. ठीक है ये डेवलप स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एग सेल. एग सेल को डेवलप करने में स्टिमुलेट करता है कौन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट द डेवलपिंग फोलिकल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन. अब देखो अब ये जो फोलिकल्स है यानी जो एग सेल है ये जो डेवलप हो रहा है हम इसको फोलिकल बोलते हैं. मैं आप लिख रहा हूँ फोलिकल. अब ये फोलिकल्स है ना फोलिकल सिक्रेट करेगा बेटा एस्ट्रोजन. ये सिक्रेट करेगा एस्ट्रोजन को. ठीक है आगे कहाँ गया दिस डेवलपिंग फोलिकल्स सिक्रेट्स द एस्ट्रोजन. ठीक है एस्ट्रोजन को ये सिक्रेट करेगा फिर क्या होगा इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप. तो जब एग सेल डेवलपमेंट होता है और रिलीज होने वाला होता है उस समय यूटेरस में तो यूटेरस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ये ऐसा यूटेरस है. ठीक है इधर में ओवरी होती है ना इधर भी ओवरी होती है. तो यहां पर जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण एग सेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है उस समय यूटेरस में एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन होता है. उस एक्स्ट्रा लेयर को हम बोलते हैं बेटा इंडोमेट्रियम. क्या बोलते हैं उसको इंडोमेट्रियम क्योंकि अगर एक सेल जब फर्टिलाइज होगा तो वो जायगोट को फॉर्म करेगा. तो जायगोट ओवरी में आएगा यूटेरस में आएगा और यूटेरस में इम्प्लांट होता है ऐसा यहाँ पे है ना. तो इम्प्लांट जब होगा उस समय उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए पूरे यूटेरस के इनर लाइनिंग वॉल में एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन होता है. उस न्यू लेयर को ही हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम. याद रखना इंडोमेट्रियम. क्लियर हो गया व्हाट इज इंडोमेट्रियम. यस सर. ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप. अब उसी के हार्मोन के कारण इंडोमेट्रियम का स्टार्ट होना डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ओवरी में यूटेरस में ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल. ये उसका फर्स्ट साइकिल है और रीजनरेशन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट साइकिल एट द टाइम ऑफ जैसे देखो इसका मतलब ये हो गया कि जो फोलिकल एस्ट्रोजन को जो सिक्रीट कर रहा है एस्ट्रोजन के कारण इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है. अगर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो गया तो इंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. सो याद रखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है विच हार्मोन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम. तो क्वेश्चन आएगा बेटा क्वेश्चन का आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण. एस्ट्रोजन को सिक्रेट किसने किया फोलिकल ने. फोलिकल है नहीं जो एग सेल रिलीज होती ना उस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं फोलिकल. तो फोलिकल ने रिलीज किया एस्ट्रोजन को और एस्ट्रोजन अब इंडोमेट्रियम को डेवलप करने में हेल्प करेगा. ओके नेक्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन. आगे मीनवाइल डेवलपिंग फोलिकल कंप्लीट इट डेवलपमेंट. अब देखो अब फोलिकल यानी जो एग सेल इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है. अब क्या होगा अब एग सेल जब डेवलप हो जाएगा तो वो ओविडक्ट में रिलीज होगा. हम उसको ओवुलेशन पीरियड कहते हैं. हम कहते हैं उसको ओवुलेशन पीरियड. इट बर्स्ट. देखो अब फोलिकल बर्स्ट होगा. अब फोलिकल के अंदर में क्या है फोलिकल के अंदर में एग सेल है बेटा. फोलिकल के अंदर में क्या है एग सेल है. अब एक्सेल फोलिकल बर्स्ट होगा और एक्सेल को रिलीज करेगा. इट बर्स्ट एंड इफेक्ट ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. देखो सो मैं यहाँ पर ना एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये है बेटा एक्सेल.
ओके ये है एग सेल, ठीक है ये एग सेल, एग सेल और ये उसकी जो आउटर कवरिंग है हमने इसको पूरा दे दिया, ये फोलिकल है, ये क्या है फोलिकल है। तो फोलिकल के अंदर में एग सेल डेवलप करता है, तो जब एग सेल यानी फोलिकल जब डेवलप होगा एग सेल को ग्रो करने के लिए, उस समय ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा, यानी कौन सा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब रोल आता है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये फोलिकल की वॉल को बस्ट करेगा। देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये फोलिकल की वॉल को बस्ट करेगा और एग सेल को रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? यस सर। फोलिकल बस्ट, फोलिकल बस्ट होगा और एग सेल रिलीज होगा और ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट के कारण। ओके सो इट बस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ऊसाइट इज रिलीज। ऊसाइट का मतलब एग सेल, एग सेल को हम बोलते हैं ऊसाइट। ओके तो मैं लिखता हूं अब ऊसाइट, ऊसाइट यानी एग सेल ये रिलीज होगी। अब ये रिलीज कहां होता है बेटा, ओविडक्ट में, ये जो पार्ट दिख रहा है ना ये फनल लाइक जो पाइपलाइन होती है, बहुत ज्यादा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एग सेल को यूटेरस के तरफ साइड में पुश करते रहते हैं, ठीक है। तो जो एग सेल का रिलीज होगा वो कहां होता है, ओविडक्ट में। इस पीरियड को यानी इस स्टेज को हम बोलते हैं ओवुलेशन पीरियड। देखो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। ओके सो इस पीरियड को हम बोलते हैं ओवुलेशन पीरियड। आगे रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ द बस्ट फोलिकल फॉर्म्स द कार्पस लूटियम। अब देखो यहां पर फोलिकल का काम खत्म हो गया कि उसने एक सेल को डेवलप किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से उसने उसको रिलीज कर दिया। अब जो फोलिकल की बची हुई जो वॉल है, ये जो वॉल है ना, ये वाली जो वॉल है, देखो इसका काम खत्म हो गया। अब ये जब काम खत्म हो गया तो ये कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्मन होता है किसमें, कार्पस लूटियम में। याद रखना मैं आप लिख रहा हूं कार्पस, CORPUS, कार्पस लूटियम, LUTEUM। एक सेल को रिलीज करने के बाद जो फोलिकल की जो वॉल है रिमेनिंग नथिंग बट द वेस्ट, अब वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होगा बेटा, कार्पस लूटियम में। ओके अब उसके बाद क्या होगा, कार्पस लूटियम स्टार्ट टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। अब कार्पस लूटियम सिक्रेट करेगा किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, किसको सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को। देखो चारों के चारों हार्मोन यहां पर आ गए, फोलिकल स्टिमुलेटिंग ने क्या किया, सबसे पहले फोलिकल को डेवलप किया जिसके अंदर में एग सेल डेवलप हो रहा है, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब उसने जो फोलिकल ने क्या किया, सबसे पहले एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया, अब एस्ट्रोजन के कारण एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हुआ, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण जो फोलिकल है वो बस्ट हुआ और एग सेल रिलीज हुआ ओविडक्ट में। अब जो फोलिकल की जो वॉल है वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होती है और कार्पस लूटियम फिर स्टार्ट करता है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। देखो कैसी है ना एकदम बिल्कुल प्रॉपरली वेल अरेंज्ड प्रोसेस है यहां पर। आगे एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट्स देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो एस्ट्रोजन ने क्या किया, सबसे पहले एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन किया, एंडोमेट्रियम फॉर्म हो गया। अब कार्पस लूटियम ने एग सेल को रिलीज किया, एग सेल को रिलीज करने के बाद जो फोलिकल है कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हुआ और वो सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण इंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है इट्स सिक्रीशन, जो कि डेवलपमेंट, बेबी के डेवलपमेंट के लिए, जो बेबी या फिर जो जायगोट फॉर्मेशन के लिए है, सुटेबल कंडीशन को प्रोवाइड करेगा। ओके आगे अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। आगे सच कहा गया एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। अब अगर एक सेल फर्टिलाइज हो जाता है तो जायगोट को फॉर्म करेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के कारण अब उसमें एबिलिटी आ जाती है कि वो क्या करेगा, जो एम्ब्रायो है या फिर जायगोट है उसको इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट करने का मतलब वहां पर अटैच होगा और फिर वहां पर डेवलपमेंट ऑफ बेबी स्टार्ट होगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ फोर हार्मोन, लेकिन यहाँ पर अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है।
So everyone take a screenshot first, then we are going to discuss later on. Just take a screenshot first. Everyone. Done? No, sir. Yes, sir. Okay. Done, sir. Okay. पहले हम इसको रीड करते हैं, देन वी विल डिस्कस द डायग्रामेटिक पार्ट. ओके, इफ अगर देखो ये कंडीशन कब होगी, जब जायगोट फॉर्म होगा. जायगोट कब फॉर्म होगा? जब एक सेल फर्टिलाइज होगा. एक सेल फर्टिलाइज कब होगा? जब एक सेल स्पर्म सेल से कंबाइन होगा तब. लेकिन अगर स्पर्म सेल से कंबाइन नहीं हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है. अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? If oocytes is not fertilized within 24 hour, देखो जब egg cell release होती है, egg cell release होने हम ovulation period बोलते हैं, उसके 24 hour के अंदर में अगर egg cell fertilized नहीं हुआ तब क्या होगा? Corpus luteum becomes inactive. जो corpus luteum progesterone को जो secrete कर रहा था ना, वो corpus luteum अब degenerate होना start हो जाएगा, वो अब progesterone को secrete नहीं करेगा. So corpus luteum becomes inactive and transform into corpus albicus. याद रखना, वो corpus albicus में convert होगा बेटा. Corpus luteum में convert हुआ था, अब वो अगर एक cell fertilized नहीं हो रहा है तो वो corpus albicans में convert हो रहा है. Corpus albicans. Due to this secretion of estrogen and progesterone stop, जिसके कारण जो important hormone है estrogen और progesterone, उनका secretion कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है. अब क्या होगा? अब होगा कि इंडोमेट्रियम स्टार्ट डीजनरेशन. देखो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के कारण, यानी एस्ट्रोजन के कारण इंडोमेट्रियम फॉर्मेशन हुआ था, और प्रोजेस्टेरॉन के कारण वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे इन ऑर्डर टू इम्प्लांट द एम्ब्रायो. बट अब जब दोनों हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम हो गया, बंद हो गया, स्टॉप हो गया, तो इंडोमेट्रियम अब डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. इन अब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन, किसके अब्सेंस में? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के अब्सेंस में इंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. टिश्यू ऑफ द अंडर नो डीजनरेटिंग इंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम. देखो एक सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओविडक्ट में है, वो भी वेस्ट हो गया. एक सेल जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इसका मतलब वो वेस्ट हो गया. इंडोमेट्रियम ये भी इसका अब एक सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इंडोमेट्रियम किसको इम्प्लांट करेगा? किसी को भी नहीं, तो इंडोमेट्रियम का भी काम खत्म. तो पूरा का पूरा जो मटेरियल है अब ये वेस्ट हो जाता है यूटेरस में. इसीलिए इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना उसके लिए. इसीलिए टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग इंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज ओवम आर डिस्कार्डेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वजाइनल ओपनिंग, और इसको फिर वजाइनल ओपनिंग से जो अनफर्टिलाइज एग है इंडोमेट्रियम में, इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ओके, आगे दिस इज अकंपनाइड विथ द कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. अब इसी के कारण, अब इंडोमेट्रियम तो सेल से बना हुआ होता बेटा, बहुत एक थिक लेयर होती है पूरे यूटेरस में, और वो पूरा का पूरा धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है और बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. और ये ब्लडिंग लाइक लास्ट फॉर 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक कंटिन्यूसली ब्लडिंग होती है वुमेन्स में. ओके, ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 days, 3 to 5 days के अंदर ये कंटिन्यू ब्लडिंग होती रहती है. इसीलिए उनको हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन, और इसी पीरियड को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. ओके, Unless the oocyte is fertilized. अगर ये तो कब की बात है? जब एक सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ तब की बात है. अगर एक सेल फर्टिलाइज हो जाता तो क्या होता? अगर एक सेल फर्टिलाइज हो जाता तो वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता. तो पहले सपोज ये हो गई मेल जर्म सेल, ये फीमेल जर्म सेल, दोनों फ्यूज हुए, दोनों ने फॉर्म कर लिया जायगोट. अब जायगोट फॉर्म करेगा बहुत सारे मल्टीपल टाइम सेल डिविजन होगा, और ये फॉर्म करेगा ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अब वो इम्प्लांट होगा और ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रायो फिर बेबी का डेवलपमेंट करेगा. ठीक है,
तो ये प्रोसेस होती है और इट टेक्स अबाउट नाइन डेज फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. ओके एवरीवन. यस सर. सो लेट डिस्कस फ्रॉम योर बुक व्हाट इज गिवन हियर. अनलेस द ओसाइट इज फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड. देखो एम्ब्रायो जो इम्प्लांट होगा तो इंडोमेट्रियम उसको इम्प्लांट करेगा और सारे के सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो सप्लाई करेगा. प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ और ये जो प्रोसेस है वो एवरी मंथ बिटवीन द टाइम ऑफ 28 से 35 डेज के बीच में ये चीजें रिपीट होते जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. आगे इफ एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड रिपीटेशन ऑफ द साइकिल टेम्पररीली स्टॉप. अगर क्या बात कर रहे हैं हम, किसके डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक सेल फर्टिलाइज हो जाता है, जायगोट को फॉर्म करता है, वो इम्प्लांट हो जाता है, तो उस समय जो न्यू एक सेल का रिलीज होना स्टॉप हो जाता है टेम्पररीली. ठीक है, उस समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अब वो रिपीट नहीं होंगे, ओवरी है वो एक सेल को रिलीज नहीं करेगी और जब तक बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक ये साइकिल स्टॉप हो जाता है टेम्पररी. ओके If the embryo is implanted, okay, repetition of the cycle is temporarily stopped till the perpetuation and thereafter period of the breastfeeding. So generally कब तक होता है? Breastfeeding का पूरा time ही होता, but after the birth of the baby, 4 to 5 months तक ये जो process है ये temporarily stop हो जाती है. Menstrual cycle is the natural process. अब ये natural process है because it is controlled by the hormones which are secreted in human body and woman experience severe pain during this period. Aur jab endometrium actually mein cell hai, ab jab cell detach hogi uterus se, so us samay bahut zyada pain yani unko feel karna padta, bahut zyada severe pain ho jata hai unko. theek hai, aur due to the loss of blood ke karan bahut zyada weakness hoti hai. okay, aur weakness क्यों? क्योंकि ब्लड का लॉस होता है, इसीलिए उस पीरियड में वो ससेप्टिव हो जाते हैं किसी भी कोई भी टाइप का डिसीज इंफेक्शन उनको इजीली हो जाता है. इसीलिए उनको ओवरऑल पीरियड में टोटल लाइक हेल्दी डाइट, हेल्दी एनवायरमेंट और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड. ड्यू टू ऑल सच रीजंस देयर इज नीड टू रेस्ट, उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अलॉन्ग विद द स्पेशल पर्सनल हाइजीन एंड द प्रॉपर डाइट उनको मिलना चाहिए. ओके, इन ऑर्डर टू हैव द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द डायग्राम विच इज गिवन ओवर हियर. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द डायग्राम नाउ. ओके, सो डायग्राम में क्या दिया बेटा, इट इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ 28 से 35 डेज के बीच में जो चेंजेस होते हैं उसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. ओके, सो द ये है फर्स्ट से लेकर 4 to 5 डेज, देखो 4.5 डेज दिया हुआ है यहाँ तक, ये होता है बेटा पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ओके, फिर 5th से लेकर 13 डेज तक के होता है पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, यानी फिर से एक फोलिकल स्टिमुलेट हार्मोन फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा डेवलप होने के लिए, वो एक सेल को रिलीज करेगा, उस समय एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को फॉर्मेशन करेगा ना, ये प्रोसेस फिर से चलती रहती है. इस पीरियड को बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ में बेबी अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको भी तो इम्प्लांट करना पड़ेगा, नहीं होता है तो वो पीरियड फिर से चलता रहेगा. नेक्स्ट फिर 14 से 15 and 16, देखो ये 24 आवर का टाइम बेटा, यहाँ से यहाँ तक का 24 आवर का टाइम होता है, इसको बोलते हैं ओवुलेशन पीरियड, यानी जो एक सेल रिलीज होगा उस समय उसका फर्टिलाइज होना जरूरी होता है ना, तो इस पीरियड को बोलते हैं ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजिंग पीरियड होता है. इसी पीरियड में 24 आवर के पीरियड में एक सेल ने फर्टिलाइज होना जरूरी है अगर बेबी का डेवलपमेंट होना है तो. आगे फिर 16 से लेकर 28 डेज तक का जो टाइम होता है वो होता है पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड एंड एंडोमेट्रियम. ओके, मींस यहाँ पर अगर एक फर्टिलाइज हो जाता है तो वो ट्रेवल करेगा टुवर्ड द यूटेरस और फिर यूटेरस में इम्प्लांट होता है. ओके, अगर इम्प्लांट नहीं हो रहा इसका मतलब जायगोट फॉर्म नहीं हुआ ड्यू टू फर्टिलाइज नहीं होने के कारण, तो फिर
वापस ये जो पीरियड है कौन सा पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ओके सो ये है पीरियड बेटा जो 28 से 35 डेज के बीच में रिपीट होता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन नाउ। सर